सोनोटेक कैसेट्स। फैसला करके ही जाएंगे। हेलो दिलीप, हाउ आर यू? फाइन। और ना भी हूँ तो आपको देखकर फाइन हो जाते हैं। उसक किसे कह रहे हो अग्रवाल? अभी तो मैं जवान हूँ। कहिए क्या लेंगे भाई साहब? आज हम कुछ नहीं लेंगे, आप ये बताओ बारात लेके कब आए? अजी हमारी तरफ से तो अभी ले जाओ, बाकी बच्चों से पूछ लो। बताओ बेटी बरखा। अभी तो अंकल मैंने अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है तुम अपनी प्रैक्टिस कर लो अभी, लेकिन सगाई तो अगले महीने कर देंगे, क्यों अग्रवाल जी? बिल्कुल ठीक कहा, क्यों जी? जैसी आपकी मर्जी, हम तो इंतजार कर लेंगे। अच्छा रतन लाल, हम तो चलते हैं, मुझे एक जरूरी मीटिंग में भी जाना है। ऐसे कैसे भाई, कुछ खा पी कर जाओ, नहीं तो इकट्ठा ही खाएंगे। पापा वो बुआ जी की चिट्ठी आई है, उनकी तबीयत खराब है और आपको बुलाया है। दीदी की चिट्ठी आई है? हाँ, उसके यहाँ भी तो गए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन क्या करूँ, यहाँ भी तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। पापा आप भी बस काम काम। मेरे ख्याल से तो आप वहाँ चले जाएं और दीदी को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ले आएं। ऐसा करते हैं, बरखा को भेज देते हैं, वहाँ दो चार दिन रह आएगी और सबसे मिल भी लेगी। वेरी इंटरेस्टिंग, गाँव तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ कितनी शांति और कितनी हरियाली होती है। अरे दो दो घंटे तोलिया में और सुक्की लगाम चबरी सुक्की। अरे मुंह फुड़वाना तो अच्छा तो ऐसे ही ठीक है। वाह, एक तो खा के सो जा, एक को भूख नहीं लगती और मैं अच्छा फंसा था चक्कर में। अरे रमलो। हाँ। यू मेरे को तो कहे तो कुछ दिख रहा है। के दिख गया के दिख गया। मेरे सामने माहौल रंग बिरंगा सा होता जा है। माहौल बता रहा है और मजा लग रहा है, दुनिया रंग बिरंगी होगी दिखे। थारे कुंभकर्ण ने भी कुछ देख लेगा, भी नहीं तो सोता रह जाएगा। ओ टल्लू रख खड़ा हो जा, बिना टेलीविजन की पिक्चर दिखा मैं। तो के हो गया यार, सोन बिना दे रहे, आपता रहे बिना मतलब की। अरे खोल कर देख, यूके फैशन शो सा हो रहा फिर तुम्हारा। अजी थक रहे हो तो यहाँ आ जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा। क्यों कर ले आराम, तुमसे मतलब? आराम ना करती कोई बात ना, लिया 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 था थरा सामान सा। हाँ 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 मिलवा लिया मैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ होगी जी, तुम मेहमान हो, थारी सेवा करना हमारा फर्ज है। मेरा रास्ता छोड़ दो नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ना ना रुका ना दियो,
रुका दोगे तो यहाँ चार लुंगाड़े और इकट्ठे हो जाएंगे। लो सामान हमें दे दो। बचाओ 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 बचाओ। ये किसने हमें पुकारा? तुमने हमें पुकारा और हम चले आए, बताओ क्या बात है? देखिए ना, ये बदमाश मुझे छेड़ रहे हैं। गांव में बदतमीजी? कमीने, खुद मारो ताकि ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अरे भाई क्या बात है, क्यों शोर मच रहा है? ए लल्ली बरखा, तू क्या बात है, क्यों शोर मच रहा है? देखिए ना फूफा जी, कुछ बदमाश मेरे फल छीन के ले गए। कौन थे रे? अरे लाला जी होगा कौन, वैसे चारों निकम्मे। और भाग्य? हाँ जी, इधर को गए। भाग्य? अरे मतलब मारता बहुत, मारता मैं तो, पर तुम चिंता ना करो, मैं तो छोड़ू। कोई बात नहीं फूफा जी, चलो घर चले। घर तो बेशक चलो, पर छोड़ू नहीं मैं। आज तो बड़े दिन में हमारी याद आई, कोई पसंद कर लिया के शहर में, जो हमें ही भूल गई। ऐसे दरवाजे पे खड़ी रखेगी गए? बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बरखा। नमस्ते। तू तो बहुत बड़ी होगी, आ जा मेरे घर। बुआ जी कैसे हैं आप, क्या हो गया था आपको? मुझे तो कुछ ना हुआ, या तो तुझे बुलाने के लिए गीता ने वैसे चिट्ठी लिख दी थी। मामा जी और मामी जी क्यों नहीं आए? तुम तो जानती हो पापा को बिजनेस से फुर्सत हो तो कुछ और सोचे ना। रतन तो शुरू से काम के पीछे बावड़ा है। चलो अब भीतर चलो, या छोरी भी थकरी होगी। चलो राम राम। मैं कहूँ थारी राम राम बढ़िया, थारी राम राम बहुत बढ़िया। लाला जी तुम तो हमारे तो बड़े हो, हम तो थारे तो पहले ही राम राम करे, बताओ करते हैं ना करते? जी भी तो मैं कह रहा, थारी राम राम बढ़िया, बाप करे राम राम और बेटा बांधे थाम जाम। कड़ू ने थारे तो कुछ कही है के? मेरे तो कहता तो तू जाने, मैं के छोड़ू? और थारे छोरे को कुछ कह दी? छोरे को ना, छोरी को कह दी। मारे साले की छोरी आ रही थी और रस्ते में उसके केले सेब संतरे पैसे दिले सब ले गया, लूट के ले गया। किसकी? रतनलाल की छोरी आ रही है के? हाँ उसी की तो बतान लग रहा हूँ। अनुना माने और मैं उलाना दे रहा हूँ, करने को मैं केला ठीक कर दूँ, नुकल छोड़ दूँ। एक ही बात है लाला जी, सुसरे की टांग तोड़ दो, हमें कोई गिल्ला गुजारी ना होने की। अनु तो मैं जानू, एक ही बात है, थारा घर मारा घर, मारा घर मारा घर, पर मेरा तो बताने का फर्ज बड़े। थारे पर रुकता हो तो रोक लो, अनुमा के छोड़ दूँ। थारा उड़ाना हमारे सिर माथे पे लाला जी। सिर पे तो मुंह रहा है हमारे, बस उसे रोक लो, इसी में भलाई है। हम तो कर देंगे उसे ठीक, वो तो थरी उड़ को लखाने का भी ना। बस बस हम तो शांति चाह। कितनी शांति और कितनी हरियाली है यहाँ। हाँ हाँ, दूर दूर तक शांति और पेड़ों पर पक्षियों का चहचहाना। मुझे तो गांव बहुत पसंद है, लेकिन गांव वाले लोग नहीं ना। गांव वालों को देश निकालो, दुआ दो। तुम बदमाशो, आज फिर आ गए? कल तो भाग गए थे, आज डंडे पड़ेंगे ना तब पता चलेगा। अभी शहर ही देखा दिखे और ना जानती कुछ। मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, नशा करना और नाश करना, यही दो काम आते हैं तुम्हें। अच्छा, मुझे लगे सबसे पहले लाला ने इसे मारा ही पाठ पढ़ाया दिखे। पाठ तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, अगर मुझसे पंगा लिया ना तो सीधा कर दूंगी। कभी तू ही तिरछी होकर जाए, कभी तुम ही सर पकड़ कर जाओ अपना, कभी तू ही लंगड़ाती जावे, तू तो जेल में जाएगा,
तू अस्पताल में पाओगी? तू तो मर जाएगा। तू डर जाएगी? तू क्या कर लेगा? Got it.
ना गांव का देखते ना बाहर का देखते, निकम्मे कट्ठे हो रहे इस गांव में। नहीं ना कोई रोकता, नहीं ना कोई कुछ कहता। बाण बेटी सब कहे, बताओ या छोरी क्या कहेगी। अब मैं अपनी बुआ का गई थी। तू जल्दी चली जा और कहे उसके बाप ते, तो रोक लेगा इस गुंडे को। और नहीं तो कुछ हो जाएगा कुछ होता के पकड़वा देंगे हम तो पुलिस में। पुलिस के महीना छोटू टांग तोड़ दूंगा सुसरे की। टांग तो तोड़नी पड़ेगी एक दिन उसकी। एक ना चाहे चार दिन लग जाइयो। ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम यही रहियो। रुकिया रुकिया जा है या तो वो समझ जा। अनु तो आ रहा हूँ मैं लाठी लेकर। छोटू ना मैं छोट दे आज हम भी ना खाली हम इस छोरे में। एक औलाद पैदा हुई और वो भी नालायक निकम्मा। ना ऐसा नू ख्याल रख तुझे करना की है पर हमारे तो बीत गई। आज सारा ही कुंभ इकट्ठा हो रहा है। जरूर कुछ मेरा ही मामला है जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। गीता हाँ कभी तुमने घोड़ा देखा है? हाँ देखा है। अच्छा कभी तुमने लंगड़ा घोड़ा देखा है? लंगड़ा घोड़ा? लंगड़ा तो नहीं देखा। जानती हो अगर घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उसको गोली मार दी जाती है। अच्छा हाँ और अगर गधा लंगड़ा हो जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उसको साइड मार दी जाती है। गाड़ू से पंगा, तेरा वो हाल करूंगा। बालक भी देख के डरे करेंगे, घर में भी बुरके में रहना पड़ेगा। हद होगी गुरु, इसने तुम्हारे गांव में पहली बार टक्कर दी है। टक्कर? और वह भी एक लड़की ने। लड़की
लड़की वा भी गांव की ना शहर की, वा शहर की ना चाहे अमेरिका की क्यों ना हो, मैं उसका वो हाल करूंगा जब काड़ू के नाम से भी डर लगन लग जाओगा। बता फिर क्या करना है? आज रात को उसे लाला के घर से ठाकर लाना है, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ।
कुछ ना बोले। तो घणी पी गए। घणी पी गए? हाँ। नहीं हमें आज उस लाला को छमछम को हम देखेंगे। ठीक है गुरु। अरे सोनो घुस गया, घुस गया, बच गया। छोड़। नहीं छोड़ता। छोड़। नहीं छोड़ता। छोड़ दो मुझे। भागो भागो रे भागो। आजा 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 गुरु बचाओ गुरु। बताओ यहाँ कोई खड़ा है? तो देख ये सरिये वाले गैंग का आदमी पकड़ाया हमने। मारो 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 मारो। रे सुनो शोर ना मचाओ। आरा कौन है तू? ताऊ जी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये पकड़ का पिट्टा लगे। मैं तो खेत में जा रहा था जी। ओए देख लो जी पी फेर करा लग रहे फिर वो करा लग रहे जी। देख लो किसी गुंडागर्दी चल रही है। ओए लाला अब मैं तेनू कहूँ मुझे सरिया वाले मिल जाओ तुम मैं छोटू। ताऊ जी मैं थारे हाथ जोड़ू थारे पाप में पकड़ू मुझे छुड़वा दो तुम मुझे छुड़वा दो तुम मुझे मार के रखे गाँव वाले मुझे छोड़ने घर बिल्कुल नहीं छोड़ने घर। ताऊ जी रत जना कहे कोई कुछ भी जा तू चलो रे छोटो सब। हाँ सही बात है चलो बड़े बड़े घर को यहाँ मैं कौन रुक दू। ये तो इसकी भी कोई चाल होगी आपस में पी के लड़ गए होंगे शराबी। चले अब सोएंगे चल के। ओ दिलीप तुम ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम भी गांव आ गए। अब तो बहुत मजा आएगा। अरे मैं तो तुम्हारे कारण यहाँ पर आया हूँ। मैं तो मैं रखा ही गया। नहीं दिलीप ये बात नहीं है। ये गांव बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ के कुछ लोग बड़े बदतमीज हैं। गीता ये दिलीप है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और दिलीप ये गीता है। हेलो। मेरी बुआ की लड़की और मेरी सबसे प्यारी बहन। बरखा का तो यहाँ मन लग गया है पता नहीं आपका लगेगा कि नहीं।
सोचता तो मैं भी यही था, लेकिन अब लगता है दिल लग जाएगा। मर रहे तेरे ससुर नहीं गए। ओ ताऊ, या किस बात की सजा दे रहा है तू? अरे ताऊ, ये बोलो तो धक्का लगा के खेत जोतते ना तो वो भी जो जो डूब जाता। अरे फालतू तो ना बोलो, स्टार्ट करवाओ उसे। दिलीप आओ तुम्हें कुछ नमूने दिखाती हूँ। चलो अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, जीते रहो। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या कर रहे हो अंकल? लालू ट्रैक्टर से स्टार्ट कर रहे। ट्रैक्टर ऐसे स्टार्ट होता है क्या? क्यों दिलीप? नहीं अंकल, से सेल्फ से स्टार्ट करो ना भाई। इब तो ये पुराना हो लिया, इसका ही वही इलाज है। नहीं अंकल, ये ठीक हो जाएगा। इसे साइकिल मान रहा दिखे, अब ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ट्रैक्टर है भाई। हमने ये खूब दिखा लिया, दो दिन तो ठीक चला है, पर फिर ऐसा ही हो जाए। नहीं अंकल, दिलीप इसे ठीक कर देंगे, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है भाई, मैं हाथ धो लूं, इसलिए तू भी देख ले इसे। पटवारी, यू अगर ठीक ना होया तो? अगर दिलीप ने कहा है ये ठीक हो जाएगा तो ये जरूर ठीक हो जाएगा। चल लो यू शाम ले लो तो ठीक होया ना, यहाँ जरूर होगा। लगा शर्त, अगर ये ठीक कर दिया तो? अगर इस पे ट्रैक्टर ठीक नहीं हुआ तो यह मेरे पांव पकड़ेगी। और अगर दिलीप ने ट्रैक्टर ठीक कर दिया तो? ये दिलीप के पैर पकड़ेगा। बोलो मंजूर है? कल्लू कह दे इससे ठीक है। गुरु, या तो से इंजीनियर बता रही थी, मुझे तो ये मिस्त्री लगे। अच्छा, आप लोग में से आकर कोई सा सेल्फ लगाओ। जाइए रे पटवारी, देखिए कौन से लगना सेल्फ। तने तो कमाल ही कर दिया। भाई वाह, इसने तो कमाल कर दिया। अरे गुरु हलाल कर दिया। अंकल, किसी ने मुझसे शर्त लगाई थी, उससे कहो अगर उसमें जरा सी भी शर्म है ना तो वो अपनी शर्त पूरी करे। अबे बात तो ठीक है, चलो रे। कौन सा है? नहीं काड़ू, बेइज्जती हो जाएगी। पांच होने तक नाक नाक कट जाएगी। माता होगा फिर से खोज दे।
जब देखो काम में लग रहती हो है? देखो ना कितना अच्छा मौसम है, चलो खेतों पर घूमने चलते हैं ना। क्यों जीजा जी, बरखा से लड़ाई हुई है क्या? यह बात आपकी हो रही है क्योंकि आप बरखा से ज्यादा खूबसूरत हैं। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बरखा के होने वाले जीवन साथी हैं। होने वाला हूँ ना, हुआ तो नहीं। बरखा आप पर बहुत विश्वास करती है। बात विश्वास की नहीं, बात पसंद की है, तो तुम समझती नहीं। के बात हो रही है जिज्जा साड़ी में, कुछ हमें भी तो बताओ। बुआ जी मैं गीता से कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, कहो तो बुआ जी से बात करूं। हाँ बेटे, इसका भी तो ब्याह करना, कोई अच्छा सा लड़का हो तो बता, तेरे जैसा। बुआ जी जब गीता हाँ करेगी तो लड़का भी बता देंगे। अरे उठा ना आई भी पड़े ही है। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। अरे ये क्या अंकल, अंकल कालू ने ये क्या कर दिया? रायू क्या कर दिया? मन ने कुछ नगरा में तो इसे ठीक कर रहा हूँ। तना चलो करी कोई चीज ठीक, तू तो बिगाड़ सके। जब मैं आई तो अंकल ये बड़बड़ा रहा था, कह रहा था जब देखो मुझे ही काम बतावे, आज ऐसा कर दूंगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। या झूठ बोल रही है, तेल तो पहले निकला पड़ा था। पता नहीं तू मेरे कौन से कर्मों का फल है, तब मेरे नाश में कसर तो छोड़ नहीं रखी। मन ने ना करा कुछ भी ना, और यू इस लाली ने काट दिया तेल, तब मेरा यकीन क्यों ना करते हो? तू तो हाथ में गंगा जल ले कभी कसम खावा ना, जब तेरा कोई यकीन नहीं करे। अब जाने भी दो अंकल। जान दो, मैं तो जा रहा हूँ खेत में, घेर मेर घरू सारे कुछ झाड़ू लगानी, पर इन डांगरों का भी काम काज आज तुझे करना। हमसे पंगा लेने वालों का यही हाल होता है। अंगूठे पे काला तेल, अब समझा मतलब यू तेल इसने निकाला। मतलब पानी सिर के ऊपर जा लिया? अरे सिर के ऊपर ना, कालू को तो कभी होई गोता सा लगवा दे। रे कालू एक बार कह दे, मैं उसे नाप दूंगा नाप। रे नू सोचो, जिसने भाई कालू जी महाराज के टेंशन कर दी हो, वो हमारे तेरे बस की चीज नहीं है। नहीं वो यही आवेगी और अभी आवेगी और हम ले आवेंगे। तू बता रमणू सही कह रहा है, जिस गांव में आग देनी पड़ी हो आग दे दूंगा आग, पर भाई का बदला लेना है। बदला तुम लोगे? नहीं, पहले बदला टल्लू लेगा टल्लू। क्यों भाई कालू, तू भी तो बोल कुछ। मलाल इस बात का नहीं कि उसमें बड़ा जोश है,
तसल्ली इस बात की है कि मुझे अभी होश है। सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगा देंगे अरे हम भांग चढ़ा देंगे। मौज करो बस यही से जिंदगानी, खाओ पियो मौज करो बस यही से जिंदगानी, और पीके दारू बने जवानी दीवानी मस्तानी, पीके दारू बने जवानी दीवानी मस्तानी, खाओ पियो मौज करो बस यही से जिंदगानी, पीके दारू बने जवानी दीवानी मस्तानी, अंग्रेजी देसी कच्चिया ठर्रा ल्यावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे। दूर गजब की आजा तन में मस्ती, कर दे गम में दूर गजब की आजा तन में मस्ती, हाँ झूम उठे सारी दुनिया या लगे चांद पे बस्ती, झूम उठे सारी दुनिया या लगे चांद पे बस्ती, कर दे गम में दूर गजब की आजा तन में मस्ती, झूम उठे सारी दुनिया या लगे चांद पे बस्ती, पकड़ चांद को इस धरती पे नीचे लावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे। लोग मिले तो हो जा पक्की यारी, दूर दूर के लोग मिले तो हो जा पक्की यारी, गली में हिलता जुलता देख डरे दुनिया ये सारी, गली में हिलता जुलता देख डरे दुनिया ये सारी, दूर दूर के लोग मिले तो हो जा पक्की यारी, गली में हिलता जुलता देख डरे दुनिया ये सारी, आधी रात घर में आके सब जगावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे,
कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, कट्ठे होके सारे निकम्मे पैग लगावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे, पैग लगावेंगे अरे हम भांग चढ़ावेंगे। आज मैं सारा हिसाब चुपता कर लूंगा और बाहर निकाल उसे भी कहां छिपा रखी है। मजे तो नू लगे सरिया वाले आगे दिखे सरिया वाले ना यू कालू शराब पी के गाली दे रहा। कालू चुप रुक जाओ चुप अपने आप चला जाएगा। मैं बाहर गया तो मैं के छोड़ दूं तो क्या अंकल वो इसी तरह गालियां देता रहेगा। मैं जाता हूँ बाहर इसके दो मारूंगा ना अकल ठिकाने आ जाएगी। ना लल्ला ना पूरा बदमाश है निकले बाहर या तोड़ू तेरे सारे किवाड़ किवाड़। बोलियो ना कुल ना बोलियो। हटो अंकल मैं जाता हूँ। ना बेटा ना गड़बड़ हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ और तू जाना मैं के छोड़ दूं। अबके बाहर नहीं आया तो तेरे क्वार्ट तोड़ दो। मैं कहूं क्या बात है भाई कोई परेशानी है तो जय हमें बता हम दूर करेंगे। अरे तू तो मेरा शाना बेटा है चलावे ना दूर करना चलावे। जा रहे दीपक उसके बाप को हाँक मार दा। अरे हम तो तेरी बहुत बड़ाई करे बेटा। कोई बड़ाई नहीं तू से बाहर निकल। आज हम अपने तेल का हिसाब लेंगे और अपनी हर बात का हिसाब लेंगे। मैनू कहूँ बेटा सही कह पूरा हिसाब लिए पर मैनू कहूँ दिन में लिए पूरा हिसाब देंगे। दादा बात को घुमा रहा है चाल चल रहा है तू चाल। अपने बालक तक कैसी चाल हम तो दीपक में और तेरे में कोई फर्क ना समझते। तनु क्या 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 काम लूट रहा क्या है गांव लाला। नाना नू ना है हम क्या काम तो बाहर है। बात क्यों लड़ावे ना बात लड़ावे ना। अरे क्या आया क्यों रोड़ा तार रखा। अरे अरे रोड़ा तार रखा। अरे लाला तू बता। देख भाई राम सिंह तेरे सपूत ने दारू पी के और हमारे घर में क्या खर्च उतार रखा। अरे लाला तू मिनट मिनट में बदले तो पागल हो रहे। लाला जी मंगे बड़े भाई क्या समान है। नहीं
आज मैं इस लाला को इसके खानदान को देख लूंगा। तू बाबा तू सड़े हुए लाला की रिया अपनी एक लौटी औलाद तुम्हारा तू बाबा तू बाबा आज मैं इस लाला को देख लूंगा। देख भाई राम सिंह एक ही बात है, इसे न मैं पकड़ा तू पकड़ा, एक ही बात है। निगार उस बीमारी को मार, आज मैं उसे भी देख रहा। अगर तू इंसान है तेरे थोड़ी घनी शर्म ले आ जाए ना तो मेरे घर आ गाना बढ़ जाइए। सो रहा है के? अरे रात के ना उतरी के? अरे रात घर ना गया, कैसे पड़ा यहाँ? अरे रात बुड्ढे ने लठ बजा दिया। कैसे भाई कैसे? रात में पी के लाला के जा पड़ा, छो छो में पता ना किक के कह दिया। उस सारी जुगाड़ को कुछ कह दिया के? कुछ हाँ पता ना किक के कह दिया। फिर तो जो रात भाई का रोल सही सा हो गया होगा ना, कई दिन ना घर तो बाहर निकलने की। घर तो ना निकलने की, वाह देख सामी आ रही। के हुआ अब कहाँ चला? अरे तुम बुझो मत ना, बस आज इसे मजा चखा कर हूँ। कितना सुहाना लगता है, कितने खूबसूरत है ये खेत। वाकई में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दिलीप कुछ लोग इस शांति से भी कुछ नहीं सीखते ना। अब कालू को ही ले लो, कितना गुस्सा भरा है उसके अंदर, किसी बात की परवाह नहीं। क्या तुम भी इस मौसम में फिजूल की बातें उठा बैठ? नहीं दिलीप, आखिर कालू ऐसा क्यों है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना जिद्दी लड़का नहीं देखा। छोड़ो भी बरखा, तुमने भी किस घटिया लड़के की बात उठा ली। यहाँ मैं हूँ, तुम हो और ये हसीन मौसम। लगता है जिना शायरी के मूड में है। शायरी का नहीं, प्यार का मूड। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं बरखा, आखिर हमारी शादी होने वाली है। तो क्या शादी तक इंतजार नहीं कर सकते? क्या बरखा, अपनी चीज का भी इंतजार। मर्द औरत को आखिर चीज ही क्यों समझते हैं? आखिर वह उसके जीवन साथी है, पहले उसे समझना चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है चलो। अब देखना कैसे धक्का मारते हुए जाते हैं मम्मा। अगर गुरु उन्हें पता चल गया तो चुप मर ले। देखिए आ लिए बस गुरु धरी रह गई मिसाइल। मर गए। दोनों टायर पंचर हो गए।
दोनों टायर पंचर हो गए। राम राम नेताजी। नमस्ते नमस्ते। क्यों यार नेताजी गाड़ी खराब होगी के? कोई बात ना, हम ठीक करवा देंगे। चलो रे नेताजी गाड़ी में पंचर लाओ लगवा के। तुम आ जाओ, हमारा घेर है नजदीक से, इतने दूध दाद पियो। वो तो ठीक है, लेकिन दोनों टायरों में एक साथ पंचर कैसे हुआ? पंचर पंचर तो जी रास्ते ही खराब है, पर तुम इंगे को कैसे आ गए? बाईपास पे जाम लग रहा, मेरा ड्राइवर कहने लगा किधर से निकाल लेता हूँ। आओ नेताजी, आज नेताजी गांव में कैसे आए? कुछ चुनाव ना आ रहे के? ये मेरे पिताजी। ओहो आइए आइए, ये आपका लड़का तो बड़ा समझदार और समाज सेवी है। इसने रास्ते में आते हुए गांव की सभी समस्याएं समझाई और इसने हमारी मदद भी की है। यह तो बड़ी अच्छी बात है जो इसने हमारी मदद करी। नेताजी आप बैठो। ये देश ही सुधर जाएगा अगर हर घर में ऐसा नौजवान हो। हाँ तो देश का नाश ही ना हो जाएगा। राम राम जी नेताजी। राम राम जी। आइए लाइए, आप यहाँ कैसे? अरे मनु को यह बात तो हमें पूछनी चाहिए कि आज आप यहाँ कैसे? चलो घर चलो, खाना बनवा दूंगा। लो नेताजी दूध पियो। हाँ हाँ। अरे मनु को सब ठीक तो है? हाँ सब कुशल है, आप बताइए। अजी दया है आपकी, पर रोटी खा के जानी पड़ेगी, अन्नू के मैं छोटू। आज हम खाना खाने नहीं आए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तब हमें ये लड़का मिला, इसने हमारी मदद की है, इसने गांव की सभी समस्याएं हमें समझाई, ये बड़ा ही होनहार लड़का है। हाँ जी हाँ, बढ़िया को तो बढ़िया ही बताना चाहिए, हम कभी से निकम्मा बतावे, बड़ा होनहार बेटा है। पर मैं कहूं मुंह ही चलते, चलो खाना बनवा दूंगा। साहब गाड़ी ठीक हो गई। अच्छा भाइयों अब हम चलते हैं। बेटे कालू तुम इस तरह समाज सेवा में लगे रहो और हमसे जुड़े रहो। नेताजी गांव का भी ध्यान सारा रखियो। बिल्कुल हम पूरा ध्यान देंगे। आज तो नालायक और निकम्मों को भी लायक बताया जा रहा है। नहीं दिलीप तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर हम उसके गलत कामों को गलत बताते हैं, ठीक कामों को ठीक भी तो हमें ही बताना चाहिए। तो जब भी देखता हूँ तुम काम में लगे रहते हो, क्यों अपने नाजुक हाथों पर इतना जुम्म ढाल रहे हो? एक बात कहूंगी क्या अगर तुम बुरा ना मानो तो? तुम तो हमारे मेहमान हो, हम तुम्हारा बुरा कैसे मान सकते हैं? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अब तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता।
बिंदु तुम कितनी खूबसूरत हो, शायद तुम्हें भी नहीं पता है। फूफा जी आज तो सैलाब जमा हुआ है पूरा जम रहा, यू के छोटे ने स्कोर क्या अंकल? अभी अंग्रेजी में चल रहा, हिंदी में आप तो बता दूंगा। सुबह सुबह इनका भी मुंह देखना पड़ेगा। योरा लाला कुछ ना कमेंट्री सुन रहे। लाला तू टाड़ी मार कमेंट्री फोमेंट्री सुनने की, ये सब शहरी लोगों के चोंचले हैं। एक गेंद डंडा सा लेके खड़े हो जाए, खराब करें लोगों का पूरा पूरा दिन, जीतते कभी है ना। तुम्हें कुछ मालूम भी है क्रिकेट के बारे में? पता तो जब चलता है जब मैदान में उतरते हैं। यूं तो एक डंडा सा मुझे दे दो, सांस लो मैं भी मारता रहूंगा। अगर इतना ही दम है तो खेल के दिखाओ। कैसे चुप हो गया गुरु, क्या इससे खेल लेंगे, इन्हें हराने में भला कुछ है? कौन खेल सके हमारी गेल? हम खेलेंगे, दिलीप खेलेगा। बोलते क्यों नहीं, क्यों बोलती बंद हो गई? इसमें बोलने की कौन सी बात है, चलो। पर हार जीत का फैसला कौन देगा? फूफा जी देंगे। इसमें तो शरीफ सा आदमी था। ओ बावड़े भूत, तू हमें बेईमान बता रहा? आजा मैदान में चल, ईमानदारी और बेईमानी का तो वहीं चलेगा पता। चलो ना फिर। बल्ला पकड़ना भी आता है, कहीं गेंद आती देख के बल्ला ही हाथ से छूट जाए। गुरु बोल का भोले नाथ, आज दिखा दे अपने हाथ, हमारी दुआ है तेरे साथ। चिंता मत करो, आज तो कुछ हो जाएगा। होगा क्या तुम्हारी हार? आज तेरी हार निश्चित है सहरी टमटम। मैनू कहूं मैच शुरू करो। छक्का होगा तो। ओए लाला छक्का क्यों ना दे रहा? मैं कौन ही तू छक्का? क्यों गेंद लाइन पे गिरी और लाइन तो पड़े हो छक्का तो? लाला लाल पे भी छक्का हो। छक्का कौन ही तू? पांच दे दूंगा। नहीं फूफा जी ये छक्का होता है। अच्छा चल तू कह रही है तो छक्का दे देंगे। ये तू? अब पाता रोक के आउट हो गया। ओए लाला ठीक रह ले, तेरे सिर में बल्ला मार दूंगा। तू मार देगा और हम भी कुछ मार सके, हम भी मार देंगे। नू नू के मैं छोड़ दूं। चलो फूफा जी इससे कोई आउट नहीं है। जल्दी करो भाई डॉक्टर ले सुनो, जल्दी करो खून बहुत बह रहा है। दिलीप ये तुमने क्या किया? तुम अच्छी तरह जानते हो उसे खेलना नहीं आता, वो अनाड़ी है। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ बॉल फेंका। तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने सिर्फ बॉल नहीं फेंकी है।
लालू के बारे में कुछ पता चला? वो अब कैसा है? ठीक हो जाओगा, और उसे क्या होगा? नहीं गीता, उसे बहुत गहरी चोट आई है, कम से कम हमें पता तो लगाना चाहिए। ए मरण भी दे, हमें की जरूरत है पता लगाने की। ए भगवान, कैसे हो तुम लोग? बुआ जी, कालू के बारे में कुछ पता लगा क्या? पता क्या लगाना, ऐसे नालाक निकम्मों को तो चोट लगे तभी कुछ न होता। नहीं बुआ जी, उसे चोट हमारे कारण लगी है, तो उसकी तबीयत के बारे में पूछने का हक भी तो हमारा बनता है ना। दो दिन में भूल गई, उसने तेरे साथ क्या करा था? आप उस बात को इस बात से क्यों जोड़ते हैं? और कौन सी बात से जोड़े हैं? ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछती। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, बैठ। सुना लाली, शहर में तेरे माँ बाप ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। जब तेरे पापा जी लाला जी के यहाँ आवे थे ना, तो मेरे घर जरूर होकर जाते। अच्छा जी। अब तो मुझे कितने दिनों तक दिखे कि वो यहाँ आए भी ना। हाँ अंकल, पापा आजकल ज्यादा बिजी रहते हैं। लाली तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाऊं बना के। अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरे लिए चाय बनाओगे? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। तो लाली दूध पी ले। अंकल आप रहने दीजिए ना। अंकल वो, अंकल आप कालू की तबीयत कैसी है? वो तो ठीक है, उसका क्या हुआ? अंकल उसे चोट लगी थी ना। ऐसी चोट तो उसका लगती रहे। नहीं अंकल, मैं उसे माफी मांगने आई थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। लाली तू क्यों दुख मान रही, खेल में तो चोट लगती रहे। नहीं अंकल, कालू के बहुत ज्यादा चोट लगी और इसे इतना खून भी बहा, ये सब मेरी वजह से तो हुआ, और मुझे कल रात से नींद भी नहीं आई है। लाली तू ज्यादा दुख ना मान, ऐसे के तो जितनी चोट लग जाए उतनी कम है। अंकल कालू इतना बुरा नहीं है जितना हम लोग उसे समझते हैं। मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती, लेकिन नासमझी में मैंने कई बार उसे दुख पहुंचाया, और अब तो उसे मेरी वजह से इतनी गहरी चोट लगी है, जबकि उसने मुझे कभी चोट पहुंचाकर बदला नहीं लिया। लाली तू ज्यादा परेशान ना हो, देख लिया साथ लो, फिर उसका कोई उलहना लेगा। अंकल आखिर कालू ऐसा क्यों है? लाली साल भर का था जब इसकी माँ गुजर गई थी, कभी मामा के कभी कहीं, बस यूं ही रह गया। अच्छा तो आपने उसे पढ़ाया नहीं? पढ़ाया भी, वहाँ तभी रोज उलहने लाग रहे था, फिर इसकी शरारत सी बढ़ती गई, फिर यूं कमल तक काड़ू बन गया। तो आप इसे समझाते कि पढ़ाई कितनी जरूरी है जिंदगी में? काड़ू यहाँ देख, क्या छोरी आई है? तो केकरण आई है यहाँ, जिनके आई है उनके रहवे। या इसकी गलती ना होते है भी, या तेरे तो माफी मांगने आई है, पर तू इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। हाँ तुझे तो सब अपने जैसे दिखाई दे, घर पाए मेहमान तक कैसे बात करी जानो बिना पता। आप रहने दीजिए अंकल, इनका गुस्सा जायज है, आप इन्हें कुछ ना कहे। उसे तेरी चोट का कितना दुख है, उसे सारी रात नींद नहीं आई, और तू अपनी धुन में। एक बात बताओ, क्या किसी इंसान को बदला जा सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर बदलने वाला आप जैसा हो। प्लीज दिलीप मजाक मत करो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तो क्या मैंने जवाब सीरियसली नहीं दिया है? मैं तुमसे पूछती ही नहीं। अच्छा गीता तुम बताओ। भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम दोनों से तो बात करना ही फजूल है।
मैं उतर गया तीर, गया काड़ जैने चीर। दिल में उतर गया तीर, गया काड़ जैने चीर। दुश्मन यार हो गया, ओए बैरन ते प्यार हो गया। एक बैरन ते प्यार हो गया। दिल में तेरी तस्वीर ख्याल तोड़े मलाल गया दिल हार मेरा। घने कटीले नैन उड़ा दिया चैन रे मैं तो मार गिरा। कितना मेरा ख्याल तोड़े मलाल गया दिल हार मेरा। घने कटीले नैन उड़ा दिया चैन रे मैं तो मार गिरा। धर लूं क्यों कर धीर, मैं हूँ रांझा तू है हीर। धर लूं क्यों कर धीर, मैं हूँ रांझा तू है हीर। जीना दुश्वार हो गया, ओए बैरन ते प्यार हो गया। एक बैरन ते प्यार हो गया। मेरे दिल में आ गई थे दोनों नादान हुई।
तेरी लागी दिल पे खिंची लकीर बड़ी प्यारी जंजीर दिल पे खिंची लकीर बड़ी प्यारी जंजीर दिल बेकरार हो गया हाय बेरी ते प्यार हो गया हाय बेरी ते प्यार हो गया दिल में उतर गया तीर गया काल जैन चीर दिल में उतर गया तीर गया काल जैन चीर दुश्मन यार हो गया ओए बैरन ते प्यार हो गया एक बैरन ते प्यार हो गया हाय बैरी ते प्यार हो गया हाय बैरी ते प्यार हो गया ओए बैरन ते प्यार हो गया बैरन ते प्यार हो गया अंकल जी नमस्ते नमस्ते लाली अंकल ये आप क्या कर रहे हो लाइए मुझे धोने दीजिए ए बेटी ये तो मेरा रोज का काम है नहीं आज आप मुझे धोने दीजिए ना बेटी तो तुम्हारी मेहमान है हम तेरे पे काम कैसे करवा सके आज अगर आपने मुझे काम नहीं करने दिया ना तो मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी ठीक है ले कर ले मेरा जी तो मानता है आप बैठे अंकल इसके बाद में आपके लिए चाय बना के लाती हूँ ठीक है मैं बाहर बैठक में बैठा अरे छोरी यहाँ काम कर रही जो इसने मुंह तभी बोल पड़ा ना तेरी खाल तार दूंगा इस तक कौन के कह रहा है थोड़ा सा घर का काम कमल जी आप भी कर लिया करें तो क्या बिगड़ जाएगा
ख्याल रखा और एक कप अंकल को भी दिया। अंकल पंकल को अपने आप दिया, मेरे ते काम बताने की जरूरत ना। चाय भी अपने जैसी बनाई है, गर्मा गर्म। ले भाई बीड़ी पी ले। कालू भाई बीड़ी पी ले। कालू कहाँ है? बीड़ी पी ले, ले। छोड़ यार, मेरा मनना है। बीड़ी को मनना है तो सिगरेट मंगावे। नहीं यार, सिगरेट का भी मनना है तो कुछ और मंगावे। जब मैं कह रहा हूँ यार, किसी चीज का मनना है तो किस चीज का मन है वह बता। किसी चीज का ना है कुछ तो है, हमें बता। अरे जब मैं कह रहा हूँ बस, तुम तो मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अकेला तो हम ना छोड़ दे, बात में जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, मुझे तो पूरा गड़बड़ा लग रहा। गड़बड़ा के हो वो हो, याहू 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 के जुगाड़ हो। याँ याँ घंटी है जो चुप चुप बजती है। नहीं, याँ याँ घंटी से जो चुप चुप बजती से। समझ गया, घंटी है जो चुप चुप बज रही है। याँ याँ घंटी है जो चुप चुप बजती है। याँ याँ घंटी है जो चुप चुप बजती है। याँ याँ घंटी है। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटी, तेरी उम्र लगा हुआ भगवान। अंकल कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटी, मुझे कुछ काम है, मैं बाजार जा रहा हूँ। अंकल दो मिनट रुको, मैं आपको बढ़िया सी चाय बना के पिलाती हूँ। ना बेटी, मुझे देर हो जाएगी, वापस आके भी घर के काम देखने, ये तो कुछ करे नहीं। क्या अंकल, कमल अभी उठा नहीं है? मुसीबत तो जितनी देर सोती रहे ना उतनी ठीक है। क्या अंकल आप भी। बाबा चिढ़ गया तो अकड़ू राम। बारिश नहीं ये बरखा है, पानी की छींटे मैंने मारी थी। मेरे ऊपर पानी क्यों गिरा? मैं झाड़ू लगा रही थी तो धूल उड़ रही थी, कमल को धूल से बचाने के लिए बरखा की। Thank you.
जी कहाँ जा रही है? वो राम सिंह अंकल के यहाँ। क्यों जा रही है वहाँ? बस ऐसे ही,
मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ काम में हाथ बटाना भी बहुत अच्छा लगता है। तू ये भी जानती होगी उनके घर में एक आवारा लड़का भी है। बुआ जी, कमल अब आवारा नहीं है, वो अब सुधर चुका है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, समझी ना। अब बुआ जी जो कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमें यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए, चलो अब चलने की तैयारी करो। ठीक है, और कुछ? आप कहाँ जा रही हो? देखा बुआ जी, कमल, कमल कहाँ थी तू? अब लो मैंने तड़की उठते सारा काम भी निपटा लिया, चाय भी बना ली, तुझे कई बार बाहर तक भी देख आया। जरा सी खुड़खुड़ाहट हो गया तो ऐसा लगे जैसे तू आई हो। तुझे पता है मेरा एक एक मिनट कैसे बीत रहा है? कमल जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारा एक एक मिनट कैसे बीता। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ। क्यों कर रहे थे इंतजार? मुझे ना पता। तुम्हें नहीं पता तो मैं चलती हूँ। रुको बरखा, कालू को कमल बना के वापिस चली जाओगी? मुझे आज नहीं तो कल शहर वापस तो जाना ही है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर बरखा ही नहीं होगी तो कमल भी नहीं होगा। नहीं ऐसा मत कहो कमल, आखिर कब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ? जब तक कमल है। नहीं ये नहीं हो सकता। पत्थर में अगर फूल खिल सकता है तो ये भी हो सकता है। मुझे नया जीवन देने वाली तुम हो। बाहर क्या होती हैं, भंवरे क्यों गाते हैं, खुशबू क्यों बिखरती है, सूरज क्यों निकलता है, चांद रात भर आकाश में क्यों चक्कर लगाता है, मुझे किसने बताया?
तू नाट जागी पर क्यों अगर छोरी तू नाट जागी जीव ना कति भी अधरती फाट जागी ओ करके प्रेम अगर छोरे तू नाट जागा पर क्यों अगर छोरी तू नाट जागी दावे की बनके मेरी तू हम जोली मेरे बाबू के घर पे तू अकेले के ये मेरी डोली इब के साल मनाइए गोरी साजन के संग में तू होली साजन के संग में तू होली साजन के संग में तू होली तेरा मेरा मेल नया रंग छांट जागा तेरा मेरा मेल नया रंग छांट जागा जीव फर कहूँ अगर छोरी तू नाट जागी फर कहूँ अगर छोरी तू नाट जागी जीऊ ना कति भी अधरती फाट जागी ओ करके प्रेम अगर छोरे तू नाट जागा फर कहूँ अगर छोरी तू नाट जागी करके प्रेम अगर छोरे और कहूँ अगर छोरी तू नाट जागे करके प्रेम अगर छोरे तू नाट जागा सुन छोरी क्यों क्यों देख के अपनी जिंदगी बर्बाद करे तुझे पता है कि कलू एक आवारा लड़का है नहीं अंकल कमल आवारा था वह बदल चुका है उसके बदलने से समाज नहीं बदलता रीति रिवाज नहीं बदलते और तुझे पता है कि तुम्हारी जात हमारी जात अलग है ना ऐसा तुम्हारा ही समाज मान सकता और ना ऐसा हमारा समाज मान सकता और अंकल आप मैं भी तो समाज का एक हिस्सा हूँ और बेटी गांव के लोग रीति रिवाज मान मर्यादा और अपनी बिरादरी के लिए पहले जीते हैं अपने लिए बाद में और मैं अपने लड़के के लिए रीति रिवाज नहीं तोड़ सकता अंकल जरा मेरी तरफ देख कर बताओ क्या मैं इस घर में आने के काबिल नहीं ये बात नहीं है बेटी ये घर तेरे काबिल नहीं है मेरा लड़का तेरे काबिल नहीं है तेरी जमा तो किसी राजघराने में है नहीं अंकल मेरी जगह तो आपके कदमों में है मैं सदा आपकी सेवा करना चाहती हूँ तो आज मुझे धर्म संकट में डाल दिया बेटे मुझे नहीं पता अंकल मैं तो आपकी बेटी बनना चाहती हूँ मैं कमल के बिना नहीं रह सकती ठीक है अब तू जा मुझे थोड़ा सोचने दे जी पटवारी जी आप लोग काम कर रहे हैं तो आप बता दो जी क्या करें हाँ हाँ काम कीजिए काम करना तो बहुत अच्छी बात है अब हम चाहे कि काम धंधा हम संभाल ले फिर तो आप लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे इससे तो बैठ जाओ बात ही कुछ नहीं अरे सुनो तो सही तो मिस्टर बट्टो थैंक यू हाँ जी अजी तुम एक बात बताओ शहर में कोई थारी सहेली भी तो होगी क्यों अजी हमने सोच रहे थे हमारी भी बात सी बन जाती वेरी फनी हमारी तो सीरियस बात तो भी ऐसे हैं
अच्छा आप लोगों को जलने की बू आ रही है क्या? ना जी, हम तो बीड़ी बिना पीते, जो कुछ जलता। बीड़ी की नहीं, कुछ और जलने की बू आ रही है। हमें नहीं आता जी कुछ, ना खुशबू ना बदबू। और मारा बारह मास जुकाम भी रहे। ठीक है, आप लोग काम कीजिए, मैं चलती हूँ। अजी ध्यान रखियो हमारा भी। अच्छा। अच्छा बाग बाग छोड़ो ना कमल, क्या कर रहे, छोड़ो। अच्छा अच्छा भाग जा, भागिए ना, मैं निकालो भागे। क्या करे, छोड़ो। नहीं नहीं कमल, छोड़ो ना, छोड़ो ना, देखो क्या करो। छोड़ा क्या करे, छोड़ो। नहीं नहीं कमल, छोड़ो ना, छोड़ो ना। के बात है? मैंने तू गीता को मिली। गीता साल बाहर बाहर को गए हैं। बाहर को गए? हाँ। अच्छा बाहर को गए? हाँ हाँ बाहर गए हैं। घर में कोई ना है? जब सारे बालक बाहर गए हैं तो घर में कौन होगा? हाँ हाँ घर में कौन होगा, हम अकेले हैं ना घर में। जब यहाँ कोई नहीं है तो हम ही है। मैं कहूँ बोल फिर। के बोलूँ बताओ? नहीं समझी। मैं कहूँ इतने बालक कहाँ है, इतने आराम कर ले। क्यों, मैं बालकों के सामने आराम नहीं कर सकती? ओहो, फिर नहीं समझी। तू बैठ तो सही, मैं तुझे समझाऊंगा। मुझे कुछ ना समझना, तब मंगाई ना करो मेरे घर। मैं छोटू, सुन तो सही। हाँ क्या बात है? मैं कहूँ बैठ तो सही, अजी भी तो बताऊंगा क्या बात है, बतलाऊंगे। मुझे ना पूछ ली बात बात, मुझे काम करने दो। मैं कहूँ गृहस्थी में बतलाऊना भी जरूरी हो। अपनी उम्र भी देखा करो। बताओ लो, या इवलो उम्र ही देख रही। आज वह मुझे बिल्कुल नहीं पहचान सकती, खूब डराऊंगा उसे। अरे यार कौन चली आवे है रघु? आप बता सके कि कमल कितने मिलेगा? कमल, कौन कमल? देखिए मैं रोहतक से आई हूँ, मैं बरखा की मौसी हूँ। मौसी मर गए? कुछ कहा आपने? ना ना कुछ कुछ ना, आप बैठिए ना, बैठिए। आप कौन से? मैं वो कमल का चाचा हूँ ना, चाचा। अच्छा बच्चू, मुझे ये चला रहा है, मन ने बेरा लाग गया से कि थारा कमल मारी बरखा के पीछे लाग रहा से। नहीं नहीं ऐसा कुछ ना है, वो तो दोनों बच्चे आपस में प्यार करते हैं। प्यार? प्यार कोई खेल से? मैं तुम्हारे भतीजे की पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। हैं? रिपोर्ट? देखिए मौसी जी, मैं आपकी मौसी नहीं हूँ, बरखा की मौसी हूँ। आप जो भी हैं आराम से बात करें, कोई सुन लेगा हमारी आपकी बदनामी हो जाएगी। ठीक से बताओ के कहो सो। देखिए जब दोनों बच्चे खुश हैं तो हमें उनका ब्याह कर देना चाहिए। ठीक से हम ब्याह कर देंगे, लेकिन मारी को शर्त से, थारा भतीजा मानता हो तो ठीक है। अच्छा ये तो बरखा है। अगर नहीं मानता तो हम हर की शादी नहीं कर सकते। मेरा भतीजा कोई शर्त वर्त नहीं मान सकता। क्यों, उसे शादी ना करनी? अरे तुम्हारी नकचड़ी भतीजी से भला हमारा भतीजा शादी करेगा? अच्छा वो नकचड़ी है? हाँ वो भेंगी भी है। मैं भेंगी भी हूँ? तुम नहीं, वो तो कल्लो भी है। मैं कल्लो भी? तुम नहीं, वो उसकी नाक भी बहती है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बरखा सुन तो सही, रुक तो सही। अब बोलो मैं भेंगी हूँ। बर्तन नहीं लगते किसके पैर रखे हैं।
वो तो मैं देख रही थी, अगर मेरी शादी गांव में किसी बेवकूफ से हुई तो मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे। गांव में शादी हो तो और भी बहुत कुछ करना पड़े। वो क्या बताऊं? मुझे नहीं पूछना कुछ। साग बना के मक्का की रोटी पका के, सिरसों का साग बना के मक्का की रोटी पका के, खेत में लाइए तू मने खिलाइए तू, खेत में लाइए तू मने खिलाइए तू। हाँ आज पैसे खूब कमा के सोने का हार घड़ा के, आज पैसे खूब कमा के पौरी पौरी। अच्छा अरे तड़के उठ के दूध बिलो वे खम्मण खम्मण होरी, जबर भरोटा लेके चल लरजे पौरी पौरी। पाउडर और बिंदी लगा के लंबा घूंघट सरका के, पाउडर और बिंदी लगा के लंबा घूंघट सरका के, मटक आइए तू चाल के दिखाइए तू, मटकती आइए तू चाल के दिखाइए तू। अरे चाचा
मेहनत लगा के तू काढ़े काम बका के कभी मत जाइए तू हार बढ़वाइए तू हाँ चली मत जाइए तू हार बढ़वाइए तू सिरसों का साग बना के मक्का की रोटी पका के सिरसों का साग बना के मक्का की रोटी पका के खेत में लइए तू मने खिलइए तू खेत में लइए तू मने खिलइए तू पियाजी लइए तू मने पहरइए तू हाँ खेत में लइए तू मने खिलइए तू मेरी समझ में नहीं आ रहा गीता तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो मैं हूँ ना अगर तुम शहर जाकर बदल गए मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमने अच्छा नहीं किया ऐसा कुछ नहीं है और मैं शहर जाकर बदल क्यों जाऊंगा मुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी यहाँ क्यों हो रहा है यहाँ क्यों रो रही है कुछ नहीं ये हमारे आपस का मामला है तुम जाओ यहाँ से मैं पूछता हूँ या क्यों रो रही है मैंने कहा ना तुम्हें से कोई मतलब नहीं और तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला चल अपना काम कर मुझे मतलब है तू ऐसे नहीं मानेगा ये तेरी इंजीनियरिंग का मामला नहीं है और ना ही ये क्रिकेट का मैदान है ये झूठ बोल रहा है गीता से पूछ लो मैं समझती थी तुम सुधर गए हो लेकिन नहीं पहले सिर्फ जानवर थे लेकिन अब शैतान हो गए कभी जिंदगी में बरखा का नाम मत लेना I hate you. रुक जाओ बरखा रुक जाओ मैंने कुछ नहीं किया बरखा तुम गलत समझ रही हो रुक जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बरखा रुक जाओ आज एक हाथ कितने दिन हो गए ठीक तो मैं समझ कैसी कैसी बात हो रही है दुनिया में सुनकर अचंभा सा हुआ है कितना बढ़िया राम सिंह पर भगवान ने औलाद कैसी दी है देखो बेचारे राम सिंह को शर्म के मारे घर तो भी नहीं निकलता भगवान इतनी निकम्मी औलाद दुश्मन को भी न दे हाँ जी उसकी माया को वही जाने अब देखो उनके मेहमान सा ना आवे तो काड़ू लाला की इज्जत बर्बाद कर देता अभी किसे पता है कि इज्जत बच गई या बर्बाद होगी अरे नु बताओ वह छोरी आई थी वह भी काड़ू ने पटा रखी थी वह तो उसी दिन भाग गई पता नहीं उस बेचारे के जीप में के भी इतनी होगी
हेलो बरखा, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ कर आ गया। क्या बात है बरखा, मैं तो जब भी आता हूँ तुम मुझे इसी तरह मिलते हो, आखिर भूल क्यों नहीं जाती वो बात? बरखा मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। तो हमें भी नहीं पता बेटा, जब से अपनी बुआ के यहाँ से आई है तब से गुमसुम बैठी रहती है। आखिर हमारे साथ हुआ क्या है ये तो तुम ही बता सकते हो। कालो भाई कदर पड़ा रह गया, थोड़ा बाहर घूमा कर, जी ठीक हो जाएगा, चल बाहर ना चल ले से। भाई मैं तो बीमार पड़ जाएगा। भाई दोस्त हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे, हम कुछ कर भी तो ना सकते। हाँ यह भी बात है, पर फिर भी कुछ सोचेंगे, हम भी सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। अब क्या करें जी? करना क्या है, मैं अग्रवाल साहब को फोन करता हूँ और ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं, एक सादे समारोह में दोनों की शादी कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। जीने नहीं देती मुझे मरने नहीं देती, जीने नहीं देती मुझे मरने नहीं देती।
तेरी या तेरी या हाय मुझे तेरी या तेरी या तेरी या हाय मुझे तेरी या सा घुटे है मेरा जी तड़प उठे है दम सा घुटे है मेरा जी तड़प उठे है तेरे बिन न कुछ भी भाता एकले का जी घबराता तेरे बिन न कुछ भी भाता एकले का जी घबराता हंसने नहीं देती मुझे रोने नहीं देती हंसने नहीं देती मुझे रोने नहीं देती तेरी या तेरी या हाय मुझे तेरी याद तेरी या तेरी या हाय मुझे तेरी याद छड़ गया दिन थोड़ी में डाका पड़ गया तेरा मेरा जोड़ा बिछड़ गया दिन थोड़ी में डाका पड़ गया गलत फहमी मार गई जीत प्रीत हार गई गलत फहमी मार गई जीत प्रीत हार गई सोने नहीं देती मुझे
जग ने नहीं देती, सोने नहीं देती मुझे जग ने नहीं देती, तेरी या तेरी या हाय मुझे तेरी याद, तेरी याद तेरी याद हाय मुझे तेरी याद। तेरी याद हाय मुझे तेरी याद, तेरी याद तेरी याद हाय मुझे तेरी याद, तेरी याद तेरी याद हाय मुझे तेरी याद। गीता देख, बरखा की शादी का कार्ड आया, तुझे खुशी ना हुई? पहले तो उसकी छोटी छोटी खुशी पर आसमान सिर पर उठा ले थी, और आज इतनी बड़ी खुशी की बात है तो तू चुप है? गीता गीता के बात है मेरी बेटी, कुछ तो बता। माँ मैं दलीप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। करम जड़ी उतने के करा ये बम दुनिया को के मुंह दिखावेंगे, इससे तो तू खुद के ना मर गई थी। गीता की बात है, बात तो बता। छोड़ दो मुझे नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मचा ले शोर भी, एक इल्जाम तो लगी रहा, एक और सही। नहीं कालू, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैंने परखा की जिंदगी बर्बाद करी है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। नहीं गीता, कोई भी गलती जिंदगी से बड़ी नहीं। नहीं कालू, मैंने तेरी और बरखा की जिंदगी में जहर घोल दिया और तू मुझे बचा रहा है? नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। हाँ गीता, अगर तू आज अपनी गलती मान रही है तो तुझे घर भी वापिस चलना पड़ेगा। नहीं कालू, तू नहीं जानता, अब मैं वैसे भी जीने के काबिल नहीं हूँ। दिलीप का बच्चा मेरे पेट में है और बरखा और दिलीप की कल शादी है। अब तो तुझे जरूर घर वापिस चलना पड़ेगा, एक तो तेरे पेट में बच्चा है, दूसरा तुझे कुछ हुआ तो ये कलंक मुझे जिंदगी भर ढोना पड़ेगा, तुझे अपने हक के लिए अब जरूर जीना पड़ेगा। नहीं कालू, मेरे पिताजी के समाज में इतनी बदनामी हो जाएगी कि वे मर जाएंगे। बदनामी तो जो होनी थी होली, अब तो उस दाग को ढोने का टाइम आया है। चलो
चाचा जी कालू। नहीं चाचा जी, कालू ने कभी ऐसी हरकत नहीं करी। के कह रही है छोरी तू? हाँ चाचा जी, उस दिन भी मेरे चुप रहने के कारण इस निर्दोष पर इतना बड़ा इल्जाम लगा कि इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये उस दिन भी मेरे लिए लड़ा था और आज भी इसने मुझे बचाया। गीता बेटी, तू क्या कह रही है? पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। उस दिन भी दिलीप मेरी इज्जत से खेला और बदनाम बेचारा कालू हुआ। आज मैं मरने जा रही थी तो इसने मुझे बचाया। पर तू मरने क्यों जा रही थी? मैं दिलीप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पापा, पापा मुझे मारो, पर ऐसे चुप मत रहो। पापा पापा पर ऐसे चुप मत रहो। पापा कुछ तो बोलो। पापा मुझे मारो। पापा पर ऐसे चुप मत रहो। पापा कुछ तो बोलो। पापा, मैंने आपकी इज्जत खराब करी है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ए छोरी, मरने तक किसी बात का हल नहीं निकलता। अगर गांव समाज तैयार हो तो हम पंचायत करके शहर में चलेंगे और उस छोरे को मजबूर करेंगे कि वो छोरा इससे ब्याह करे। ठीक है, हम सब थारी साथ हैं। चाचा जी, सिर्फ मुझे ही नहीं, कालू को भी उसका हक मिलना चाहिए। सही कही गीता ने, बिल्कुल सही कही। कालू को भी उसका हक मिलना चाहिए। हम समझ गए, कालू एक अच्छा लड़का है। हाँ, क्यों भाई राम सिंह? जो कहेंगे लाला जी कहेंगे, मैं क्या कहूँ। हाँ, जो बात मेरे लायक है मुझे बताओ। पापा, बरखा और कालू एक दूसरे को प्यार करते हैं और मेरे कारण बरखा को गलत फहमी हुई है। अगर बरखा और कालू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इस ब्याह में कोई हरज तो होना नहीं चाहिए। जमाना बदल रहा है। पर लाला जी, कभी वे लोग इस बात को ना मानना है। क्यों ना मानेंगे? जमाना कितने आगे जा लिया। अगर अब भी हम जात बिरादरी में बटे रहेंगे तो नहीं तो समाज के टुकड़े होते चले जाएंगे। समाज को एक करने के लिए हमें आपस में ब्याह शादी तो करने ही पड़ेंगे। आज तो तोड़ कर दिया लाला जी ने भी। मैनू कहूँ, अब कोई रह तो ना गया है। अरे मजे तो नूल गए, सब आ लिए। चलो भाई, चलो। तो चलो फिर। चलो भाई, चलो। दरवाजे तक पहुंचने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ। बेटी, जल्दी तैयार करो इसे। जी, बात क्या है? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? हम बराती है जी, गांव से आए हैं, घर से ससुराल जा रहे हैं। मैं ले चलूंगा तुम्हें ससुराल, पहले इनकी तलाशी लो। ले लो, ले लो, पर ऐसी चीज लो
जो मार दरिया हो तलाशी किसी के धोरे बिना। अभी पता चल जाएगा ये ट्रैक्टर किसका है। ट्रैक्टर तो मारा ही है, पता तो चले बात की है। चाचा कदे चाय पानी का इंतजाम यही करवा रखे हो, एक एक ठंडा यही हो जा तो की अर्ज है। तुम्हें ठंडे की नहीं डंडे की जरूरत है। अरे भाई दरोगा जी हमें देर होने लग रही है, हमें जान दे। चलो ये ट्रैक्टर पहले थाने ले चलो। देखिए दरोगा जी अगर हम टाइम पे ना पहुँचे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा शादी में पहुँचना ज्यादा जरूरी है। अजी तुम्हें जो लेना देना हो यही कर लो, वहाँ चाय नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठंडा जब होने दूंगा तब ना। चलो दरोगा जी कह रहे हैं तो पहले थाने में चलो, नहीं तो मैं छोड़ दूं। ए लड़के पहले ट्रैक्टर सीधा थाने ले चल। मैं तो बरात में कभी ना आता, अगर मुझे पता होता मैं तो बरात में कभी ना आता। अरे चुप हो जा, ले चलेंगे बरात में भी। इसे बीड़ी पियाओ। अरे ससुराल में बीड़ी भी कोनी छोटी मरी है मैं। भाई लाला जी अगर यहाँ एक आध घंटा और रुक गए ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा। हाँ भाई राम सिंह पर करें कैसे करें। अरे इस नैया को भी काड़ू पार लगा सके। भाई कड़ू नू बैठे तक के काम चले। अरे भाई कुछ तो कर। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे भाई तो भाई, अरे मर गया, अरे भाई हम लोग, अरे मर गया, अरे भाई, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे भाई क्या हो रहा? अरे क्या बात है, क्या हो मजा? भाई भाई और मैं कहूं देखियो क्या उद्देश्य है, ये सब क्या हो रहा है? साहब एक आदमी उधर दौड़ रहा है। अच्छा खोलो जरा जल्दी खोलो। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे भाई भाई, अरे मर गया, अरे क्या होगा भाई? अरे भाई हम लोग, अरे भाई, अरे मर गया, कहाँ जा रहे तुम लोग? अजी हमें दरोगा जी ने भेजा। मैं पूछूंगा जब जाने दूंगा। नेताजी। अरे कौन हो भाई, क्या बात है? आपने मुझे पहचाना नहीं नेताजी, मैं कालू। कालू? कुछ याद नहीं आ रहा। नेताजी मैं वही कालू जिसने आपकी कार में पिंचर, मेरा मतलब ओ, है। याद आया, तुमने गांव में हमारी मदद की थी। बैठो गाड़ी में बैठो। नहीं नेताजी मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। बोलो क्या बात है? आप थाने जाके पिताजी लाला जी और गाँव वालों को छुड़ा दो, देर होगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है मैं थाने से सबको छुड़ाता हूँ। आपका बड़ा उपकार होगा नेताजी। ठीक है मैं चलता हूँ, आओ। हरि ओम गणनाथा गणपति गंगे वामये, प्रिय नाम सा प्रिय पति गंगे वामये। हे आदादू बनो तुम लोग। भाई साहब मेरा नाम कालू है और हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अच्छा तो तुम हो कालू, आयो। इनका जाना कितना जरूरी है अंदर ये इनको बता दो। रुको ये शादी नहीं हो सकती। बरखा
शादी नहीं कर सकती, तुम्हें कालू से शादी करनी होगी। हाँ बरखा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरी इज्जत से खेलने वाला कालू नहीं, ये था। ये सब मेरी वजह से हुआ। कालू निर्दोष है बरखा, कालू निर्दोष है। ये क्या बकवास कर रही हो गीता तुम? आज मैं बकवास कर रही हूँ। तुमने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कहीं मुंह दिखा सकूं। ये झूठ बोल रही है बरखा। तुमने मुझसे शादी का वादा करा, क्या ये झूठ है? मुझे अपने झूठे जाल में फंसाया, क्या ये झूठ है? मेरी इज्जत से खेले, क्या ये झूठ है? मेरे पेट में पलने वाला बच्चा, क्या ये भी झूठ है? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ बरखा, कालू निर्दोष है, कालू सिर्फ तुम्हारा है। मेरे किए पापों की सजा कालू को मिल रही है। बस करो गीता, बस करो, बस मुझे इतना बता दो कि वो कहाँ है। बाहर इस जालिम के गुंडों से लड़ रहा है। कमाल, कमाल! मुझे माफ कर दो कमल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। मैं इसे छोड़ू ना, मैं इसे बिल्कुल ना छोड़ू, मैं इसका खून कर दूंगा। क्या बात हुई लाला जी, जरा हमें भी तो बताओ। ये बात पूछे मारे तक इतनी बड़ी बात होगी और ये बात पूछे मारे तक नुके मैं छोड़ू। देखो लाला जी, अगर गीता और जो है दलीप ब्याह कर ले तो बात कुछ भी ना है, और अगर ये अंकल, मैं गीता से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बात क्या, हमें भी तो बताओ। बात कुछ भी ना अग्रवाल साहब, गीता और दलीप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। विनोद जी, हमें तो गीता भी पसंद है। एक बात मैं भी कहनी चाहूंगा संदान। बोलो। तम अब बरखा का ब्याह काड़ू कमल तक कर। क्या कह रहे हो लाला जी, होश में तो हो, हमें बिरादरी में नहीं रहना क्या? बिरादरी बच्चों की खुशी है, बर्बादी नहीं। नेता जी, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ के कहूँ रतन लाल, ये दोनों बच्चे एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, और सच कहूँ इस बच्ची के कारण मेरा बेटा तो इंसान बन गया। इन दोनों की शादी कर। मैं तेरे से झोली फुला के बरखा को मांगता हूँ, मुझे दे दो। ये मत सोच बरखा राम सिंह के घर जा रही है, ये सोच बरखा मेरे घर जा रही है। राम सिंह मेरा छोटा भाई है। नहीं लाला जी, ये हरगिज नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता पापा? ये बेवकूफ, बड़ी रात्रि में मेरी नाक कटवा रही है। रुको बाबूजी, आप बरखा को कुछ ना कहें, चाहे आप हमारी शादी ना करें। हम यहाँ बरखा को लेने आए थे, आपकी बेइज्जती करने नहीं आए थे। मुझे आज मालूम हुआ कि मैं गंवार सचमुच बरखा के काबू में हूँ। बेटा, जब मेरी बेटी को एक थप्पड़ सहन नहीं कर सकता, वो जरूर मेरी बेटी को सुखी रख सकता है। नकचड़ी तेरा मेरा।